ज इंट्रोडक्शन टू कोआर्डिनेट जोमेट्री आगे हम स्ट्रेट लाइन सर्कल्स कोनिक सेक्शन जैसे चैप्टर्स देखेंगे उन चैप्टर्स में कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे ठीक है तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन दीज आर रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ आपने पहले टेंथ में पढ़े होंगे एंड सम ऑफ दम विल बी न्यू या फिर हम उनकी एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम आई आई टी जेई लेवल के क्वेश्चन को कर सकते हैं उन कॉन्सेप्ट को यूज करके ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला ये डेफिनेटली सब ने नाइन्थ टेंथ में पढ़ा होगा तो फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूं एक बार कि मान लिया ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन है आई एम एज्यूमिंग दैट आपको पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं टेंथ में हमने सीखे है ना किस तरह से एक्स वाई प्लेन होता है और उसमें पॉइंट्स हम कैसे प्लॉट करते हैं दिस इज योर एक्स वाई कॉर्डिनेट एक्सेस एंड दिस इज यो रीजन मान लिया यहां पे एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं एंड यू हैव अनदर पॉइंट b पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं तो अगर आपको इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है देन दिस डिस्टेंस ab इज गिवन बाय डिस्टेंस फार्मूला व्हिच इज x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर ठीक है तो ये है अपना बेसिक डिस्टेंस फार्मूला अब इस डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से हम काफी चीजें प्रूव कर सकते हैं काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो अभी देखते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जहां पे हम इस डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके उन क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल ये क्वेश्चन गिवन है इसमें आपको यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल एक सर्कल के सेंटर के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं वेच पास थ्रू जीरो कॉमा जीरो जीरो कॉमा फोर एंड टू कॉमा जीरो एक सर्कल है जो इन तीन पॉइंट से पास कर रहा है और हमें उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए अब सिंस जो अपना सर्कल है वो तीन पॉइंट्स में से पास कर रहा है तो एक सर्कल बना लिया हमने और लेट्स से यहां पे एक पॉइंट और इधर एक पॉइंट जीरो कामा फोर एंड यू हैव अनदर पॉइंट हेयर टू कामा जीरो मान लो इस तरह से आपके पास ये तीनों पॉइंट्स हैं तो सेंटर यहाँ कहीं पे होगा इस सेंटर को हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया अब सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल का जो डिस्टेंस है वो उसकी पेरिफरी से या फिर उसके सरकम से हमेशा बराबर रहता है और वो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल रहता है ये तो हमें पता ही है तो हमने डिस्टेंस फॉर्मला लगाया इन तीनों पॉइंट्स पे इसको ए मान लिया इसको बी एंड इसको सी और इसको मान लिया ओ तो ओ ए की वैल्यू हैज टू बी इक्वल टू ओ बी की वैल्यू विच टू बी इक्वल टू ओ सी की वैल्यू तो सबसे पहले ओ ए इज इक्वल टू ओ बी यूज कर रहे हैं तो OA पे अगर हम डिस्टेंस फार्मूला तो दैट विल बी अच्छा अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा आंसर तो ऐसे करते हैं सब जगह स्क्वायर कर देते हैं अगर OA OB OB OC स्क्वायर जो OA OB और OC हैं अगर वो तीनों इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे राइट सो OA स्क्वायर विल बी x 0 होल स्क्वायर प्लस y 0 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस स्क्वायर। ये तो आई अपनी पहली इक्वेशन जिसमें आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज एक्टली सिमिलर है और यहां पे हमने दोनों टर्म्स को एक्सपैंड कर दिया तो यू हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स तो ये एक्सक्वायर ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट तो यू हैव एक्स इज इक्वल टू वन फ्रॉम दिस इक्वेशन ये तो अपना पहला एक रिजल्ट आ गया फिर हमने किसी ओ बी टू ओ सी कर लिया मान लो नाउ वी आर अपला क्या है एक्स माइनस टू का यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं ना ताकि स्क्वायर रूट ना लेना पड़े हमें एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर ठीक है अब इनको सॉल्व कर लेते हैं यहां से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स यहां से आया वाई स्क्वायर इधर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन माइनस एट एक्स सॉरी एट वाई ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्सक्वा कैंसिल आउट हो गए और x की वैल्यू हमने वन सबच्यूट कर दिया यहां पे तो आप वन सबचुट करिए तो फोर माइनस फोर इंटू वन इक्वल टू सिक्सटीन माइनस एट वाई ये जीरो बन गया एट वाई इधर आया एंड y की वैल्यू टू आ गई और यही हमें पता करना था सेंटर तो एक्स कॉमा वाई जो अपना सेंटर था वो कितना आ गया दैट इज इक्वल टू वन कॉमा टू दैट इज अर आंसर टू दिस क्वेश्चन आई होप आपको ये समझ आया आगे चलते हैं टेक एनदर एग्जाम्पल हमें शो करना है दैट द फोर पॉइंट पहला पॉइंट गिवन है ए दैट इज जीरो कॉमा माइनस वन बी एज सिक्स कॉमा सेवन सी एज माइनस टू कामा थ्री एंड डी एज एट कॉमा थ्री हमें ये प्रूव करना है कि चारों पॉइंट्स हैं जो वो आर द वर्टसेस ऑफ अ रिक्टेंगल ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया अब देखते हैं कि रिक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा अगर अपने पास मान लिया ये रिक्टेंगल है इनको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी तो आप देखिए कि अगर आप ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर ये इक्वल आ जाए ना तब तब क्या होगा ना तब ये पैरोग्राम बनेगा तब ये रेक्टेंगल नहीं प्रूव हुआ उसके लिए हमें एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस एट दिस स्टेज तो हम क्या करते हैं कि अगर मैं ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल प्रूव करूं तो पैलोग्राम बना और अगर मैं डायगनल को इक्वल प्रूव कर दूं साथ में डायगनल आर इक्वल तो डायगनल अब इक्वल किस किस में होते हैं या तो स्क्वायर में होते हैं एंड ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा या फिर डायगनल रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं अब डायगनल ना तो रोमबस में इक्वल होते हैं और ना ही डायगनल पैलोग्राम में इक्वल होते हैं तो आई थिंक कि अगर हम इसके डायगनल को इक्वल प्रूव कर दें तो दैट विल बी दैटीट टू प्रूव दैट द गिवन फिगर या फिर गिवन इज अ रेक्टेंगल तो देखिए जरा अगर डायगनल इक्वल करते हैं तो क्या ये हम प्रूव कर पाएंगे कि रेक्टेंगल होगा मान लिया ये एक डायगनल है अपना और इसी लेंथ का मैं एक और डायगनल बना देता हूं और मैंने अब इनको ज्वाइन किया ऐसे तो अब डायगनल तो इक्वल हैं लेकिन ये अभी रेक्टेंगल नहीं बना तो दैट अगर हम ये सेकंड कंडीशन सिर्फ यूज करें तब उससे तो फिर प्रूव नहीं हो पाएगा कि वो रेक्टेंगल है तो हमें फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन ये दोनों की दोनों कंडीशन प्रूव करने पड़ेंगे मतलब अगर हम ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल प्रूव करते हैं तो उससे वो पेरोग्राम प्रूव होगा एंड उसके बाद हम पेलोग्राम के अगर डायगनल को इक्वल प्रूव कर दें तो दैट विल गिव अस वो पेरोग्राम नहीं है वो एक रेक्टेंगल है तो सिर्फ अगर आप सेकंड कंडीशन लगाते हो या फिर सिर्फ आप फर्स्ट कंडीशन लगाते हो देन दैट विल नॉट बी अ सफिशियंट कंडीशन टू प्रूव कि गिवन क्वारल रेक्टेंगल है या नहीं है ठीक है आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आई अब हम क्या करेंगे इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से विल प्रूव दीज टू कंडीशंस दैट विल हेल्प अस टू प्रूव कि गिवन क्वारल अपना रेक्टेंगल था तो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट किया अपने पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए एक जगह पे एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ऑल द डिस्टेंसेस ए बी बी सी सी डी एंड डी एंड कैलकुलेट द डायनल ए सी एज वेल ठीक है तो ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस सेवन प्लस वन होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर तो ये आ गया टेन सिमिलरली बी सी कैलकुलेट करते हैं बी सी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस थ्री होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटीन दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एटी ठीक है फिर हमने सी डी कैलकुलेट किया दैट विल बी एट प्लस टू होल स्क्वायर प्लस जीरो होल स्क्वायर दैट इज टेन तो आप देख सकते हैं ए और सी इक्वल आ रहे हैं दोनों इसी तरह से डी और बी भी इक्वल आने चाहिए सो डी ए विल बी एट माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस वन आएगा होल स्क्वायर तो दिस इज सिक्सटी प्लस सिक्सटीन विच इज अगेन रूट ऑफ एटी तो यहां से एक चीज तो प्रूव हो गई कि ए बी सी डी के इक्वल आ रहा है एंड बी सी डी ए के इक्वल आ रहा है सो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स तो इक्वल प्रूव हो गया अब हमें डायगनल्स निकालने बस तो डायगनल्स विल बी पहले ए सी कैलकुलेट करते हैं ए सी विल बी स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 minus 3 whole square. This is nothing but 4 plus 16 that is root of 20. Then you will calculate BD that is equal to 8 minus 6 whole square plus 3 minus 7 whole square that is again going to be a root of 20. ए सी बी डी के इक्वल आ रहा है डायगनल इक्वल है ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल है देअर फोर दस इज अ रेक्टेंगल आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ठीक है तो आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इफ

थर्ड वर्टेक्स, एक्स दैट इज अर क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं इसको अब सिंस इक्विलेटर ट्रायंगल है अगर मैं इन दोनों वर्टेक्स को इसको यहां पर बना देता हूं ये ट्रायंगल बनाया हमने ठीक है दिस इज ऑलमोस्ट इक्विलेटर सो ये ए ले लिया ये बी एंड सी मान लिया बी पॉइंट है जीरो कॉमा जीरो एंड सी पॉइंट है थ्री कॉमा रूट थ्री इसको फिर हम x y वाई मान लेते हैं और हमें गिवन क्या है कि इक्विलिटी तो ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए तीनों इक्वल होते हैं अब डिस्टेंस निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा उसको अवॉइड करने के लिए हम हर एक तरफ स्क्वायर कर देते हैं मतलब ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर एंड सी ए स्क्वायर तो अब कोई भी दो इन कोई भी दो इक्वालिटीज उठाई यहां से ये दोनों तो ए बी इज इक्वल टू बी सी करते हैं पहले ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर ये कैलकुलेट किया सो ए बी स्क्वायर विल भी एक्स माइनस जीरो स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज नथिंग बट आप देख सकते हैं बी सी स्क्वायर विल भी जीरो माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर दिस इज नाइन प्लस थ्री वल टू ट्वेल्व और यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये अपनी एक इक्वेशन आ गई फिर हमने ए बी इज इक्वल टू ए सी किया ए बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर अगर हम करें दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आप देखिए इट बी एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं दिस विल बी अर सेकेंड इक्वेशन सिमिलरली अब सिंस दो इक्वेशन बन चुकी हैं तो आंसर तो यहां से हम निकाल सकते हैं बहुत ईजिली पर अगर आप सब्स्यूशन मेथड नहीं लगाना चाहते एंड यू वांट टू मेक वन मोर इक्वेशन तो एक इक्वेशन आप और बना सकते हैं दैट विल बी बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर तो वो भी इक्वेशन मैं यहां पे बना देता हूं दैट इक्वेशन विल बी बी सी स्क्वायर अब बीसी स्क्वायर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं देखिए यहाँ पे ट्वेल्व आ रहा है विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर और एसी स्क्वायर भी आपने कैलकुलेट किया है ये रहा ए सी स्क्वायर ये तो यही यहाँ पे चुट कर देते हैं सो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर तो ये अपनी तीसरी इक्वेशन आ गई वेरिएबल आपके पास दो ही हैं तो आप इनमें से कोई भी दो इक्वेशन जो आपको पसंद हो वो आप चूज कर सकते हैं एंड देन विद द हेल्प ऑफ सब्चिट मैथड यू कैन या फिर एलिमिनेशन मैथड भी यूज कर सकते हैं आप एंड देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आपके पास दो वैल्यूज आएंगी पहली वैल्यू जो आएगी दैट विल बी जीरो कॉमा टू रूट थ्री एक तो ये पॉइंट हो सकता है या फिर थ्री कॉमा माइनस रूट थ्री दैट विल बी योर सेकेंड पॉइंट ये बहुत ईजी कैल्कुलेशन है एंड आई एम श्योर आप ये खुद कर सकते हैं और आपको खुद ही करनी चाहिए सो दैट यू हैवे होल्ड ऑन दिस टॉपिक ठीक है तो यूज हमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही करना है इक्वेशन मैंने बना दी है I hope this should be okay.